हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप चनों को किस तरीके से 24 घंटे के अंदर बहुत अच्छा सा अंकुरित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कितने अच्छे से ये चने अंकुरित हुए हैं और इन चनों को मैंने किस तरीके से अंकुरित किया है, यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने देसी चने लिए हैं और ये देखिए, इनको अंकुरित करके मैंने पहले से रखा हुआ है। और इन चनों को मैंने भिगोने के बाद 24 घंटे के अंदर इससे कैसे किले निकाले हैं, यही वीडियो में आपके साथ अभी शेयर करूंगी, अभी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े किले निकले हैं। अगर आप इनको डेली की डाइट में शामिल करें तो बहुत ही फ़ायदा देते हैं। तो अभी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने इनको अंकुरित किया है। वैसे तो आप भीगे चने भी खा सकते हैं, लेकिन अगर अंकुरित चने खाएंगे तो ज़्यादा फायदा देंगे। देखिए, मैंने चने को 2-3 पानी से वॉश करने के बाद भिगो दिया है और पानी का लेवल काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है, जिसमें जब चने फूलेंगे तो उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो पानी की क्वांटिटी अच्छे से रखें जिसमें चने अच्छे से फूल जाएँ। और ये देखिए, 7-8 घंटे भिगोने के बाद ये चने अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से चने फूल चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट सोक करके रख दें या दिन में भी इनको भिगो सकते हैं। कम से कम 7-8 घंटे इनको भिगो दें और फिर उसके बाद पानी निकाल करके इसको, पानी मैंने देखिए एक बास्केट में रख के छान लिया है और फिर किसी सूती कपड़े पर, यहाँ पे मैंने एक हैंकी लिया है, इसमें रख देंगे और फिर इस तरीके से इसको लपेट करके इसकी पोटली बना लेंगे। इनका पूरी तरीके से पानी निकल जाना चाहिए। इस तरीके से कपड़े में लपेटने से पानी निकल जाता है, लेकिन चनों में आपस में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से ये जल्दी अंकुरित होते हैं। ये देखिए, मैंने इसको कपड़े को अच्छे से टाइट से बांध दिया है। इसको आप चाहे किसी अरगनी पे लटका दें या आपके किचन में जो बर्तन का स्टैंड होता है उसकी खूंटी होती है उसमें लटका दें। ये देखिए, 7-8 घंटे बाद ये कपड़ा अच्छे से सूख चुका है। मैंने इसको दोबारा पानी से इस तरीके से भिगो दिया है। इस तरीके से भिगोने से दोबारा चने अच्छे से फिर नमी पा लेंगे और इनको फिर निचोड़ करके इसी तरीके से निचोड़ जाने दीजिए और टांग दीजिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। अगर आपने रात में 10 बजे चने भिगोए हैं तो मॉर्निंग में आप इनको पानी निकाल करके रख दें, कपड़े में बांध के टांग दें और फिर बीच में एक बार फिर उसको पानी से भिगो दें। तो देखिएगा, रात तक आपके ये चने अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे और ये खाने में स्वाद तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपकी सेहत को भी बहुत फ़ायदा देते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप एक दिन में किलों को निकाल सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल वाले ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको आप किसी डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दीजिए और 8 से 10 दिन इसको आप आराम से चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चने थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो इसको दोबारा पानी से डिप करके छान लीजिए और फिर इसको फ्रिज में पैक करके रख दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।